हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज आईओ इंटरफेस, व्हाट इज द नीड ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आईओ इंटरफेस जो है वो कनेक्टिंग कहाँ पे होते हैं, मतलब कहाँ पे वो कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से हम उनको कनेक्टेड करके रखते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को सीपीयू के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो दे आर कनेक्टेड थ्रू द बस, और बस इज कंटेनिंग द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। लेकिन प्रोसेसर इन पेरिफेरल डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड है थ्रू इंटरफेस। तो इंटरफेस एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, वो एज ए ट्रांसलेटर बोल लो, एज ए कन्वर्टर बोल लो, उस तरीके से काम कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे, स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सीपीयू की जो स्पीड है वो होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मतलब वो पर सेकंड जो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं दे आर वेरी स्लो। क्यों? कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड से आप कितने बटन प्रेस कर सकते हो पर सेकंड, कितने बटन प्रेस हो जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3-4 बटन प्रेस कर सकते हो। प्रिंटर की बात करो तो पर सेकंड कितने पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हो, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को पर सेकंड प्रिंट कर सकते हो। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो वो भी जो है वो जनरली, हार्ड डिस्क की भी बात करो वो भी जनरली जो है वो कितने आप कह सकते हो मिली सेकेंड्स में वो काम करती है, मतलब उनकी स्पीड अगर हम बात करें प्रोसेसर की स्पीड से मैच नहीं करती। तो अगर हम इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे विदाउट इंटरफेस तो होगा क्या, सीपीयू जो है, अगर सीपीयू डेटा सेंड कर रहा है तो बहुत तेजी से वो डेटा सेंड करेगा और इतनी तेजी से ये लोग डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। या फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि अगर मैं पेरिफेरल से डेटा जो है वो सेंड कर रहा हूं सीपीयू की तरफ, तो सीपीयू जो है वो वेट ही करता रह जाएगा। क्यों? कीबोर्ड से डेटा बहुत स्लो आएगा तो सीपीयू तो उस केस में वेट करता रहेगा। तो इसीलिए हम उनकी स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए, टू मेक देम प्रॉपरली सिंक्रोनाइजेशन, हम इंटरफेस लगा देते हैं। तो वो काम कैसे करता है, इंटरफेस में होता क्या है, मल्टीपल रजिस्टर्स, तो वो क्या करते हैं एक एक करके कीबोर्ड से पैरेलली जो है वो डेटा तो उठा नहीं सकते, तो वो वहां से सीरियली डेटा उठाते हैं और फिर पैरेलली वो डेटा जो है वो फास्टर स्पीड से सीपीयू को प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड से तो सीरियल डेटा आएगा, एक एक करके जैसे आप प्रेस करोगे वैसे वैसे डेटा जो है वो आता जाएगा, वो सारा डेटा इंटरफेस में डाल के इकट्ठा डेटा पैरेलली हम सेंड कर सकते हैं सीपीयू को, ताकि हम उसकी स्पीड से मैच कर सकें। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या हो सकता है, पहला फैक्टर क्या हो गया, स्पीड की, व्हाई वी यूज अ इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू एंड द पेरिफेरल डिवाइस। दूसरा यहां पे क्या हो सकता है, द डिवाइस नेचर। सीपीयू की अगर हम बात करें, या यहाँ पे लेट्स से मेन मेमोरी भी इसके आगे कनेक्टेड होती है, तो मेन मेमोरी, सीपीयू, दीज आर दी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और अगर हम बात करें कीबोर्ड है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं द सिग्नल्स आर ऑफ डिफरेंट, और वहाँ पे सिग्नल्स मेरे अलग हैं, तो उनकी कन्वर्जन के लिए, सिग्नल की कन्वर्जन के लिए भी हमें कोई ना कोई सर्किट चाहिए, कोई ना कोई यहाँ पे बैकएंड पे हेल्प करना चाहिए, तो वो एक्चुअल में कौन कर रहा है, इंटरफेस हेल्प कर रहा है। तो सिग्नल्स को आपस में कन्वर्ट करना है उसके लिए भी हम यूज करते हैं इंटरफेस को। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा फॉर्मेट, डेटा वर्ड्स या फॉर्मेट का सही, जैसे अगर हम बात करें सीपीयू, सीपीयू जनरली हमारे पास होता है कौन सा, 32 बिट है, 64 बिट है, 64 बिट का मतलब क्या हो गया 8 बाइट, 32 बिट का मतलब क्या हो गया 4 बाइट। लेकिन अगर हम बात करें कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज व्हाट 8 बाइट, मतलब हम यहाँ पे यूज करते हैं कीबोर्ड जो है वो हमारा 8 बाइट का सिस्टम यूज कर सकता है। अगर हम बात करें प्रिंटर, उसका फॉर्मेट अलग है, मैग्नेटिक डिस्क, इनके जो फॉर्मेट्स और इनके डेटा वर्ड का साइज हो सकता है डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्रोसेसर या फिर मेन मेमोरी। तो अगर मुझे डेटा फॉर्मेट के केस में, अगर मुझे इनको, या फिर वर्ड जो डेटा वर्ड्स हैं उनके केस में, अगर मुझे इन दोनों को क्या करना है, इक्वल स्टेज पे लाना है, तो उसके लिए मैं इंटरफेस का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। और फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट कैन बी कि ये जो कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क, इसके अलावा माउस, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस आपस में भी इनकी फंक्शनिंग अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल लॉजिक बना के और उसको आप सीपीयू को दे दो कि जब भी तेरे को डेटा सेंड करना है या डेटा रिसीव करना है, मेनली हमने करना क्या है, डेटा ट्रांसफर करना है। पेरिफेरल डिवाइसेस और सीपीयू ने आपस में क्या करना है,
डेटा ट्रांसफर करना है, तो मैं एक काम ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने एक सिंगल लॉजिक बना लिया और उस लॉजिक के बेसिस पे जैसे ही प्रिंटर सीपीयू कोई भी अगर डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा उस लॉजिक के थ्रू, लॉजिक मतलब एक प्रोग्राम बना लिया उस प्रोग्राम के थ्रू हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पर प्रॉब्लम है, कीबोर्ड के लिए अलग लॉजिक बनाना पड़ेगा, प्रिंटर के लिए अलग लॉजिक, मैग्नेटिक डिस्क के लिए अलग लॉजिक, तो यानी इतने लॉजिक अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी यूटिलाइज कर रहे हो। और अगर आप बाद में चेंज भी करते हो, लेट से आपने कीबोर्ड को हटा के दूसरा कीबोर्ड लगा दिया, मॉनिटर को हटा के कोई और मॉनिटर लगा दिया, तो अगेन लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इन सारे झंझटों से बचने के लिए सिंपल बीच में क्या लगा देते हैं, इंटरफेस लगा देते हैं, जो कन्वर्टर कह लो ट्रांसलेटर कह लो, इसका पर्पस जो है वो इंटरफेस हैंडल करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछ लेते हैं, आईओ ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक क्या है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा ट्रांसफर के केसेस में ये जो इंटरफेस हमने बीच में लगाया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंटरफेस। सो दिस इज ऑल द मेन रीजन की व्हाई वी यूज द इंटरफेस बिटवीन द सीपीयू, मेन मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। थैंक यू।